ये नहीं कह सकते कि 70 साल की कैंसर की बीमारी को उखाड़ करके फेंकना और उसके बाद कहें हालात तो अभी भी खराब है। हम पिछली चर्चा तो करें कि पीछे क्या थे, आज क्या है। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन एमएस बिट्टा साहब भी हमारे साथ हैं। मैं आपसे शुरुआत करूंगा इस पूरी चर्चा की। बिट्टा साहब, जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, एक के बाद एक सुरक्षा बल आतंकियों का लगातार सफाया कर रहे हैं, ऐसे में बहुत अहम बैठक शुरू हो गई है वहां पर गृहमंत्री की, और ये बैठक सुरक्षा को लेकर के ही होगी। देखो, महबूबा मुफ्ती जी के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। अभी एक रैली के अंदर एक मेरा मुस्लिम भाई पहाड़ों से ऊपर आता हुआ, आप उसका जोश दे सकते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कहा वो सुन रहे हैं, वो उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता, पर एक आम पब्लिक का व्यक्ति पहाड़ों से निकल करके जोश के अंदर कह रहा कि 30,000 लोग यहां इकट्ठे होंगे। देखो, जम्मू कश्मीर के अभी आपने थोड़ी सी बात एंगल को थोड़ा सा गलत कर दिया कि अभी भी वाकया हो रहे हैं, अभी भी हालात खराब है। मैं आपसे इस बात से सहमत नहीं सर, नहीं, और मैं ये भी बता रहे हैं उसकी जानकारी देना हमारा काम है। मैं एक भारतीय हूं, मेरे लिए प्रथम मेरी देखो वो आप कह सकते हैं पहले के हालात देखे जब तिरंगे झंडे का रोज अपमान होता था, पहले के हालात देखे जब जवानों की रोज शहादत होती थी, पहले के हालात को देखें जब पत्थर फेंके जाते थे। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे कि ये चीजें हो रही कश्मीरी पंडितों का और मुस्लिम भाई जो फोर्सेस में, उनके ऊपर कहीं ना कहीं मौका देके उनके ऊपर देखो बड़ा आसान काम है आज के टाइम के ऊपर। कोई आदमी अकेला जा रहा है उसके ऊपर हमला कर दो और पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है। पूरी फोर्सेस के ऊपर हमला करने के लिए उसको 20 बार सोचना पड़ता है। आपने देखा होगा जब पुलवामा के ऊपर हमला हुआ था और उसके बाद जब पाकिस्तान के अंदर जाकर के उनके टैंकों को, उनके कैंपों को तबाह किया था, आपने देखा होगा उसके बाद 370 धारा हटी थी, उसके बाद कितना फर्क आया। पंजाब की अगर हालात को देखें, पंजाब के अंदर सिर्फ 5 साल 6 साल या 7 साल हालात खराब रहे, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, 36,000 थोड़े नहीं होते, उसमें 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ, अमन शांति आया। अभी भी पाकिस्तान की तरफ से जैसे कश्मीर के अंदर ड्रोन के जरिए हथियार, टेररिस्ट अभी भी पंजाब के अंदर वो चल रहे हैं। पर एक सरकारें जो है कोशिश तो करती हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। ये नहीं कह सकते कि 70 साल की कैंसर की बीमारी को उखाड़ करके फेंकना और उसके बाद कहें हालात तो अभी भी खराब है। हम पिछली चर्चा तो करें कि पीछे क्या थे, आज क्या है। अगर पंजाब के अंदर आज 30 साल के बाद अभी भी हथियार पकड़े जाते हैं, अभी भी आरडीएक्स पकड़ा जाता है, अभी भी नार्को टेररिज्म आता है, पर कत्लेआम तो बंद हुआ पंजाब के अंदर। पाकिस्तान आईएसआई की कोशिश रहेगी किसी ना किसी तरीके से पूरे देश के अंदर हालात खराब हो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या 7 साल पहले पार्लियामेंट की घटना, दीनानगर की घटना, पठानकोट की घटना, 26/11 की घटना, दिवाली के दिनों, इन दिनों के अंदर, त्योहारों के अंदर, नवरात्र के दिनों के अंदर क्या जगह जगह ब्लास्ट होते थे? क्या दिल्ली सरोजिनी नगर का ब्लास्ट आप भूल गए?